जिस तरह कानून और आइन की फतह हुई है, तो इसमें हम अपने अदलिया को अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और अगर अदलिया इस तरह मेरिट के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, तो मुल्क में तभी आइन बालादस्त होगा। तो इस फैसले से तो पाकिस्तान की सियासत चेंज हो गई है। बाकी डिटेल तो बहुत ज्यादा चीजें इस पे आई है। हम इस वक्त जो मुल्क में जो हमारे मैंडेट को चोरी किया गया था, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है ना, एक मुतासिब इदारा, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिल्कुल वाजह हो गया कि उसने गलत तशरी की थी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, सब कुछ के जिम्मेदार हैं, और उसके साथ जितने भी मेंबरान हैं वो सब जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने आईनी और कानूनी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें नाकाम रहे हैं, इसलिए हम मुतालिबा करते हैं कि वो रिजाइन करें। इसके पास अब कोई अखलाक की जवाब नहीं रहा कि वो मजीद इस पोजीशन पे रहे। हमने अपने जो अलायंस है इसके जरिए एक पूरा तरतीब भी प्रोग्राम का दिया है। इंशाल्लाह ताला जैसे मुहर्रम खत्म होगा, तो मशर के हम इंशाल्लाह ताला, हम पूरा अलायंस के जितने भी लीडर्स हैं, हम विजिट करेंगे, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे, और जो बार्स है उसमें भी राबते करेंगे। एक तो जो इन्होंने बजट पेश किया, जितनी उसकी महंगाई की, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि आज टॉपिक अलग है, लेकिन ये इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन की कि अवाम की आवाज बने। जो जिस तरह ये महंगाई और जिस तरह ये बिजली की कीमत है और जिस तरह टैक्स लगाए गए, किसी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर पूरी कौम फख्र कर रही है। खान साहब ने कल जो मैसेज भेजा था, उसने कैटेगरिकली कहा कि अगर ये सूरत हाल रही और जिस तरह ये मुल्क को चलाया जा रहा है, कि ये मुल्क एक बेआईन और बेकानून मुल्क बन गया है। अभी देखिए, इस्लामाबाद में हमें तो छोटी छोटी इवेंट भी नहीं करने दे रहे हैं। अभी इस्लामाबाद में जो मैं आ रहा था, तो एक्सप्रेस वे हाईवे जो है ना, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। आखिर ये मुल्क में कोई एक कानून है कि दो? एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं हो सकते, एक मुल्क में एक ही कानून चलेगा। मैं इसलिए इन हुक्मरानों को कहता हूं कि आप अगर समझते हैं कि अगर मुल्क इस तरफ चलना है, मुल्क तो आपने बनाना रिपब्लिक बना दिया है, ये तो अनार्की की तरफ चल रहा है। एक तरफ आप देखें कि हमारे इलाके में जितनी एक फ्रस्ट्रेशन है, जितने लोगों के अंदर जो है ना, एक खौफ है, एक ऑपरेशन की वजह से, दूसरी महंगाई की वजह से, तीसरी लाकानूनीत की वजह से, चौथा तो आप अदालतों के ऊपर जो है ना प्रेशर प्रेशर कर रहे हैं, आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, और ऐसा नोटिफिकेशन की तारीख में कभी इस तरह नोटिफिकेशन निकला नहीं है। मुझे समझ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ कैसे इस चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं कि अपने आप को एक जमहूरी लीडर कहते हैं और अपने आप को जो है ना एक बड़ा चैंपियन कहते हैं, इसके बावजूद जो है ना उसकी हुकूमत ऐसा को ऑथराइज कर रही है कि वो लोगों के टेलीफोन टैप करें, लोगों की सुने, यानी वो प्राइवेसी किधर गई? तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाने के लिए हर हद तक जाएंगे। हम सिर्फ मुजम्मत नहीं करेंगे, अब मुजाहमत करेंगे। और मुजाहम ने हमारा जो मशरे वाम से ज्यादा इसकी एक्सपीरियंस है। मैं रिक्वेस्ट ही कि वो ज्यादा बात करे। एक बात बिल्कुल क्लियर है, डट के खड़े आवाम से कहते हैं कि बिजली बिलों के खिलाफ, लाकानूनीत के खिलाफ, ये नाजायज ऑपरेशन के खिलाफ, जितनी चीजें हैं हम अपने आवाम के साथ खड़े होंगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाइयों, वेलकम। आप सबको नजर आ रहे हैं। आप बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेवो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जजेस को ब्रेवो। मशहूर फिक्रा, हर लोग उसको आदमी उसकी तकरार करता है। जंग अजीम में चर्चिल से किसी ने पूछा कि मुल्क के क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या हमारी अदालतें सही फैसला कर रही हैं। किसी ने कहा बिल्कुल अदालतें ठीक कर रही है। उसने कहा सब कुछ ठीक होगा। हम उसकी न सिर्फ ये खुश मदीद कहते हैं, इन सख्त हालात में जबकि जजेस को धमकाया जा रहा था, हर जगह धमकियां दी जा रही थी कि बाबा बंदा बन ठीक रहो, इन हालात में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत 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 बड़ी मुबारकबाद का फैसला है। इस पे हम उनको मुबारकबाद देते हैं, इस पे हम तारीख इंसाफ को मुबारकबाद देते हैं। हमारे अटॉर्नी जनरल ने आज बयान दिया था, उसका बयान सरकारी सरकार से मुख्तलिफ था, तारण साहब का।
उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये सीटें उनका हक थी, हामिद भाई की पार्टी का, ये नहीं कहा कि ये गलत फैसला हुआ। उसने कहा ये उनको देनी चाहिए थी, उन्होंने यहाँ दे दिया, सब कुछ उलट कर दिया है। बहरहाल एक बहुत अच्छा फैसला आया है, मैं इनको सेकंड करता हूँ। नवाज शरीफ जैसा लीडर, एक स्टेटमेंट जिसने बड़ी स्टेटमेंट जिसने बड़ी तकलीफें उठाई, जिन्होंने वतन 10-10-15 साल, उनका स्लोगन था कि वोट को इज्जत दो। उसका स्पीकर असेंबली में और उसका प्राइम मिनिस्टर असेंबली में ISI को या हमारी एजेंसियों को ये इजाजत देता है कि आप, उन्होंने कब इजाजत मांगी, उन्होंने कब हमारे टेलीफोन टेप नहीं किए। आजम स्वाति और उस गरीब के घर का, जब वो कैमरों के सामने रो रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे खुद अगर वो बूढ़ा ना हो गया हो, उसे भूल ना गया हो, सजाद हुसैन सजाद ने चेयरमैन सेनेट, मुझे खुद कहा कि महमूद भाई मेरे बेडरूम में मेरे टेलीफोन में वो बला लगा हुआ था। सिर्फ अभी इसको मियाँ साहब, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, मियाँ साहब को स्पीकर को हटा देना चाहिए, बल्कि उसे उसे वो फारिग कर देना चाहिए। अब हालात ये हैं, मेरे ख्याल में जिद और मुझसे काम नहीं चलेगा। एक अच्छी तारीख चल पड़ी है जिसको दुनिया सपोर्ट कर रही है, फजल रहमान सपोर्ट कर रहा है, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है। ये तारीख सिफर की नहीं है, पाकिस्तान को इन हमजियत बुरानों से निकालने का वाहिद रास्ता यही है जो इस इतिहाद ने दिया है। आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा, सब कुछ सबसर्वियंट टू द पार्लियामेंट, हर इदारा अपने अपने उसमें हो, पाकिस्तान इन बुरानों से निकल जाएगा। एक गिलाफ लोगों से, मेरे भाइयों, मैं किसी को देख नहीं रहा, आप हमारे आज़ाद प्रेस हैं, हमारे आंखें काम हैं। यहाँ परसों या तरसों इस्लामाबाद में एक बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, इस्लामाबाद कैपिटल में, वो यहाँ अस्पताल में पड़ा रहा। गिलमन वजीर, उसके जनाजे में आप यकीन करें सारा पश्तूनख्वा वतन, न उनकी पार्टी का था, ना वो सिर्फ पार्टी के लोग नहीं थे, बिल्कुल आप अंदाजा लगाएं, मेरा ईमान है कि उसके जनाजे को करोड़ों इंसानों ने देखा और करोड़ों इंसानों ने सपोर्ट किया। ये वो रिएक्शन है जो पश्तूनख्वा वतन के लोग, पश्तूनख्वा वतन में रहने वाले चतराल से लेकर जिला जारे तक आपको पैगाम दे रहे हैं कि बाबा खुदा को मानो, हमें उस जगह तक उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से ना पहुंचाए। आज इस गर्मी में करोड़ों इंसान सारी दुनिया में वो देख रहे हैं, लेकिन हमारी मीडिया की तरफ से गिलमन वजीर का एक फिक्रा नहीं आया, एक फिक्रा। कैपिटल में एक आदमी महफूज ना हो, वो यहाँ आया था इसी बर्बादी से बचने के लिए, उसका कसूर क्या था? वो वतन के वसायल की बात कर रहा था, वतन के मसायल की बात कर रहा, उस पर अशार कहता था, उस पर इतना गुस्सा कि प्राइवेट लोग आके किसी को मारे, ये तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा जंगल का कानून बन जाएगा। हम आज भी रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, द ओनली वे इज सारी पार्टियों को बशमूल इनकी पार्टी, इमरान खान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी, जमीत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, इरिस्पेक्टिव पार्टी एफिलिएशन, हमें फौरन एक साथ बैठ के पाकिस्तान के इन मसाइल का इलाज करना चाहिए। इसमें उसकी बात नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा नुकता है जो इस तारीख ने पेश किया है, नुका के आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा, सब पॉलिसियाँ वहाँ, इस पे बैठ के मेरा यकीन है कि उस वक्त इसका वक्त आ गया, जब बैठेंगे फिर तफसीलात होंगी कि इस हुकूमत से एक जान किस तरह छुड़ानी है, एक कौमी हुकूमत बनानी है, एक फलाना करना है, ये जो करना है, इलेक्शन कैसे होगा, मशीनें लानी है नहीं लानी है, इलेक्शन कमीशन का क्या करना है। अगर कोई, मेरे ख्याल में सब वही वतन लोग हैं, हम उन तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि दबाव डालें सियासी पार्टियों पर, और सियासी पार्टियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पाकिस्तान सबसे वो, नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी होगा जिंदाबाद, हमारा चीफ जनरल हाफिज साहब बहुत बड़ा आदमी होगा जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो और उसका वालिद बहुत आदमी होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, इमरान खान बहुत बड़ा आदमी होगा, फलाना बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के पार्लियामेंट, इन सबसे बड़ी है, इन सबसे बड़ी है। वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस, हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बहाल करेंगे, आइन को बहाल करेंगे,
بالکل پاکستان کے عوام میں یہ اہلیت ہے، پاکستان کے لوگوں میں یہ اہلیت ہے کہ اس بحران سے ہم پاکستان کو نکال سکیں. بڑی مہربانی. میں جناب یہ بتائیں کہ آج کے اس فیصلے کے جی مستقبل کے حوالے سے سیاسی منظرنامہ ان سائڈ دا پارلیمنٹ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ کیسے آپ نظر، اور وہ قوتیں جو اس فیصلے کے بعد متاثرہ ہیں جی جی بہت پولیٹیکل اینڈ نان پولیٹیکل، ٹھیک وہ جو ریئیکشن آئے گا جی اس کی روک تھام کے لیے آپ کے الائنس کے پاس کوئی پیش بندی ہے؟ میری بات یہ ہے میرے بھائی، ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم سب باتوں کو سمجھتے ہیں. پارٹیوں میں میں چونکہ میری رضے میں انہوں نے الٹی پلٹی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، میں بعض باتیں نہیں کہہ سکتا. پارٹیوں میں ایک عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے خلاف. میری لانگ تھنکنگ یہ ہے کہ ہر پارٹی دوسرے کو یہ یقین دلائے کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ کا جو پاکستان بنے گا ہم ان قوتوں کو انوالو نہیں کریں گے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ گارنٹی تحریک انصاف بھی دے، یہ گارنٹی نواز شریف بھی دے، یہ گارنٹی پیپل پارٹی بھی دے، یہ گارنٹی فضل الرحمان بھی دے، یہ گارنٹی جمعیت علماء اسلام بھی دے، ساری پارٹیاں دیں کہ ہم نے اس ملک کو خود چلانا ہے. وہ قوتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اب جو بات آگے نہیں بڑھ رہی، بڑھ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ بابا اسپیکر صاحب پتہ نہیں کل اگر اقتدار میں آ کے پھر اسی گھوڑے پہ سوار نہ ہو، کسی اور کا ہوا ہے کہ اگر فلانا آ گیا پھر اس کا یہ تماشا ہوگا. یہ گارنٹی ہمیں بالکل جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، میری تجویز ہوگی پارٹیاں مل بیٹھ کے پاکستان کے صحیح جمہوری انداز میں آئین کے تحت چلانے کے لیے ایک چارٹر سائن کریں، اس پہ دستخط کریں اور اس کا گواہ بنائیں پاکستان کے 30 کروڑ عوام کو، 25 کروڑ عوام کو کہ بابا یہ تحریک انصاف ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ فلانی پارٹی، یہ فلانی پارٹی. پاکستان کے عوام ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کی سیاست میں ان قوتوں سے امداد نہیں لیں گے جو آئین جن کو آئین منع کرتا ہے کہ سیاست میں نہ آئے. یہ گارنٹی عوام پھر دیکھیں گے جو پارٹی یہ غلطی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، پھر ان قوتوں کے ساتھ ملتی ہے جنہوں نے پاکستان کا کباڑہ کیا ہے. تو عوام کو بس ہم یہ کہہ دینا چاہیں کہ اس پارٹی کو ریجیکٹ کرو جو بھی پارٹی ہو، یہی واحد راستہ ہے. ہم نے بڑھنا ہے. پاکستان دنیا جہان کے ملکوں سے امیر ترین ملک ہے لیکن سب سے غریب ہو رہا ہے. دنیا کا کوئی ایسی نعمت نہیں جو پاکستان میں نہیں، کوئی میٹل، کوئی معدن، کوئی کام کی چیز جو دنیا میں ہے آپ کے ملک میں ہے. اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے جانانہ انداز میں نہیں. یہ جو بچہ مرا گلمن، یعنی اگر آپ اس پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ پرزور کلی نکیش، طاقت سے گاؤں نہیں بسائے جاتے. اگر وہ بچہ غزلیں گاتا تھا، وہ کرتا تھا، وطن کی بات کرتا تھا، وطن کے مسائل کی بات، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کو گولیاں ماریں. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے گھر کہاں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے. آپ یقین کریں اس گرمی میں کوئٹہ سے لے کر چترال سے لے کر ہزاروں لاکھوں لوگ پہنچے ہیں اسے گاؤں. یہ میسج ہے آپ لوگوں کو. اگر اس کی بوجھ میں آیا ہے کہ جو افغان کا کلمہ استعمال کرتا تھا، حمزہ شنواری مشہور زغزر گو شاعر، وہ کہتا ہے کہ پشتوں میں کہتا ہے کہ میں نے محبوب کے سامنے اپنا سر جھکانے کی کوشش کی لیکن میرا سر نہیں جھکتا تھا، شاید میں محبت میں بھی افغان رہنا چاہتا. اس کا شعر ہے ماٹٹ ہو تلے مکہ اور پھر یہ خوشا خٹک مرا، بہت اس کا ینگ لڑکا مرا جس طرح یہ بچہ قدرتی موت سے. تو غریب میں جوان بوڑھا آدمی تھا، اس کا جوان لڑکا مرا، تو اس کے دل کو تسلی یہ دی، پشتوں میں شعر ہے، کش کے زبان زوئی دا افغان پننگ کے مڑوائے نچ گور روان دی دفتر تک. تو وہ کہتا ہے اللہ پاک اگر میرا یہ بیٹا وطن کی آزادی پہ مر جاتا تو ٹھیک تھا، یہ جو بستر سے جا رہا ہے مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا. اب ہاں کلمہ جب لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں تمام پشتونوں کی طرف سے، ڈیورن لینڈ کی اس طرف جو پشتون سے میری مراد جو لوگ رہتے ہیں چترال سے لے کے، ہماری وطن میں تقریباً 15-16 چھوٹی چھوٹی زبانیں بلائی جاتی ہیں. میں اس آدمی کو پشتون نہیں کہتا، ایمانداری سے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے دوست ہیں،
Most of me ko pashtun ne ke ta jo apne watan mein chatrali koistani and ko speaking planas ke bin planas jin ko equal participant na samajhta ho jin ko equal partner na samajhta ye hamare aap yahan pashtun bade milansar log hain ek maafi chahta hu ek baat shayad hamare aapke darmiyan gadbad mein hai hame aap jaiz samajhte hain maafi chahta hu lekin wahid pashtun hai जिसके दस्तरखान पे चमियार भी बैठ सकता है लोहार भी बैठ सकता है तरकान भी बैठ सकता है टांके का ड्राइवर भी बैठ सकता है गांव का माली बन सकता है आपके यहाँ अब भी ये गड़बड़ है गरीब आदमी वो दूर वहाँ से घूर रहा होता है आए इस मुल्क को बचाएं आए इस मुल्क को चलाएं जमहूरियत इसका इलाज है आइन की बालादस्ती इसका इलाज है पंजाब के लोगों को सिंध के लोगों को बलोचों को पश्तूनों को जो अलाने वसाइल रहे हैं उन पे कम से कम उनके बच्चों को पहला हक तस्लीम कर लें हमारे जो गरीब पंजाबी सिंधी पश्तून सिंधी कम पश्तून उस गर्मी में मेहनत कर रहे हैं उनको यहाँ बुलाएं यहाँ मसले बनाए सड़कें बनाए आ जाएंगे पाकिस्तान को बिल्कुल खूबसूरत ईमानदारी से हम कहते हैं मैं सियासी कारकुन हूँ 5 साल में नहीं 10 साल में अगर आप आइन की हुक्मरानी कायम रखें पाकिस्तान 10 साल में एशिया का टाइगर सर आपने जो कहा कि चार्टर ऑफ डिमांड जी क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातें जो हैं ये अपनी हुकूमत बरकरार जो इकतदार में है वो अपनी हुकूमत बरकरार रखते हुए इस पे साइन करें या वो हुकूमत छोड़ के चार्टर की तरफ इकतदार तो गया अभी जो ये सीटें आ जाएंगी 2/3 मेजोरिटी खत्म हो जाएगी और ये जो भी इलेक्शन हुए स्पीकर का हुआ है डिप्टी स्पीकर का हुआ है फलाना स्पीकर हुआ है ये सब क्वेश्चन के अंडर आ जाए तो हमें एक दूसरे को ताने देने की जरूरत नहीं है बाबा गलती ना मेरी है ना आपकी है लेट अस फॉरगेट अबाउट पास आए बैठे ईमानदारी से बैठे उसने कहा था मौलाना साहब ने कहा था नए इलेक्शन अभी वही बात एक सेंस में इमरान खान ने कह दी कि नए इलेक्शन और अब जब इमरान खान मौलाना साहब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पास पार्टियों ने कहा है मैं उनका नाम नहीं ले सकता कि हम इस अलायंस में शामिल होना चाहते हैं तो जब सारे आ रहे हैं इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर शहबाज उसकी पार्टी ये कह दे कि बाबा जो माजी भूल जाओ आए इस गड़बड़ से अपने इस मुल्क को निकालते हैं तो बेटा बल्कि अभी अभी जो सूरत हाल है ना जो ये जो अभी तशरी के बाद जो है ना इस हुकूमत की तो कानूनी हैसियत भी बहुत मशकूक हो गई है और मॉरल हैसियत तो खत्म ही हो गई है यानी जो इलेक्शन हुई है स्पीकर का प्राइम मिनिस्टर का या जो हुआ है जो उसको जो वो और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जो वर्डिक्स आई है तो अभी तो मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम कर दिया कि ये सबसे मुतनाजा तरीन इलेक्शन है रिग इलेक्शन है इस इलेक्शन की कोई अथेंटिसिटी नहीं रही बिल्कुल अच्छा सर रियासत इस वक्त चाह रही थी कि पार्लियामान को इसी तरह चलने दिया जाए इमरान खान अगर एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं या फ्रेश इलेक्शन की डिमांड करते हैं उसके मुकाबले में नशिस्तें मिल जाती हैं तो वो पार्लियामान में आ जाए पार्लियामान 5 साल मुकम्मल करे वो तो चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन के बजाय पार्लियामान ही को चलते रहना चाहिए ठीक है तो ऐसे में ये डिमांड कैसे आगे बढ़े बात ये मेरे भाई बात ये इस रियासत ने कमाल ये किया है अपनी बर्बादी का अपने पाँव पर कुनाली इसने मारी है इसने पार्लियामेंट को सिर्फ उस वक्त सावरन माना है जब वो इनके गुनाह माफ करता है पहले मार्शाला के गुनाह पार्लियामेंट ने माफ किए दूसरे मार्शाला के गुनाह पार्लियामेंट ने माफ किए तीसरे मार्शाला के पार्लियामेंट बिलाकतबाग के कातिलों के नहीं सिर्फ आपके गुनाह नहीं इस पार्लियामेंट को इस तरह खुद मुख्तार होना चाहिए जिस तरह दुनिया की सारी पार्लियामेंट है बिल्कुल हमारे मसलों का हम पागल तो नहीं है खुदा नखास्ता कि हम अपने जजों को या खुदा नखास्ता जनरलों को फांसियां देने के लिए करेंगे बाबा कंडेमनेशन होनी चाहिए गलती आप करते हैं आपको कंडेम किया जाए हम करते हैं हमें कंडेम किया जाए आ इस मुल्क को चलाएं वाहिद अगर इसके अलावा किसी के पास एजेंडा है ले आए ये हमारे स्पीकर साहब हैं हमने ये एजेंडा दिया है आइन की बालादस्ती पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट तमाम उसका मुंबा खारजा और दाखिला सियासियों का अभी हम एहतियात कर रहे हैं अगर हम एहतियात ना करें मेरे भाई खुदा न खास्ता अगर ये लोग 45-47 वाले मैं अगर इनसे ना डरता होता मैं फौरन ये कह देता कि स्पीकर साहब आपने जिस कमेटी में मेरा नाम डाला है मेरा नाम निकाल मैं इस 2 नंबर कमेटी में नहीं बैठता अगर ये कल ये कह दें या खुदा न खास्ता ये कह दें कि हम इस्तीफा देते हैं फिर क्या होगा बहरान और संगीन हो जाए हम बहरान को संगीन नहीं करना चाहते इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है
इमरान खान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब ये अक्सरियत पार्टी बन जाएगी। मैं तो तजवीज़ करूंगा, ये जो ISI को उन्होंने वो दे दिया कि हम जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये गलत वोट से आया है, हमारे वोट इस तरफ आ गए, इट शुड बी फारिग कर देता। अच्छा एक और चीज, जिस तरह बात कर रहे थे ट्रेंड चल रहा है एक्सटेंशन का, आपको भी लग रहा है कि इस पैसे के बाद एक्सटेंशन के दरवाजे जो हैं बंद हो? देखिए अभी तो देखो सबसे बड़ा अल्लाह है, कुदरत की लाठी है, एक कुदरत की लाठी है, इंसान एक सोचता है अल्लाह ताला का। ये जो हुआ है ना पाकिस्तान में पहली दफा ताकतवरों को थप्पड़ पड़ी है कि नहीं पड़ी? और ये कहते हैं कि इमरान खान तो जी इमरान खान तो बस खत्म हो गया, उसका तो बाप बंद हो गया। माँ मुझे भी कहते थे ना कि यार इमरान खान का तो बाप बंद हो गया। मैं सोचता था कि अच्छा इस निज़ाम में अल्लाह भी कोई है, मतलब ये निज़ाम अल्लाह ही चलाता है ना, इंसान तो नहीं चलाते। जब आप फिर गौन बनते हैं तो फिर अल्लाह की लाठी आती है, अल्लाह की लाठी आ गई है। हम किसी भी सूरत में न जज्बाती हैं, न किसी के खिलाफ इंतकाम का सोच रखते हैं, हम सिर्फ ये सोच रखते हैं कि मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलाओ, सिंपल इज इट। ये हमारा मतलब, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस पे, हमारा फ्यूचर इस पे है, आप लोगों का फ्यूचर इस पे है। पता है कैसे आप लोग जिंदगी गुजारोगे, ये कैसे ये मुल्क चलेगा? कई दुनिया में ऐसा हुआ कि कोई मुल्क कानून और आईन के बगैर सर्वाइव कर सका? यानी हर हमारे इस कहने का मतलब ये है कि हर सिटीजन का राइट इक्वल है, कोई कानून से मारवा नहीं है। और इसका मतलब यह है कि कोई शहरी जो है ना उसको दूसरे के ऊपर फोकियत नहीं है कोई खास वजह से, बल्कि कानून ही बारदस्त है। आपने हमारा साथ देना है इसमें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।